हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए इसरो की तरफ से रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे से सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल और बहुत सारी पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे फ्रेशर कम्प्लीटली एलिजिबल हैं। सैलरी आपको काफ़ी अच्छी 44,000 से 56,000 के बीच में मिल जाएगी। डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए। अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे रेगुलर जॉब अपडेट्स मिल जाती हैं। बाकी फ्रेंड्स, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस सीधे बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आज हम आपके लिए एक नहीं बल्कि टू नोटिफिकेशंस लेके आ रहे हैं, बेसिकली जिसमें से एक डिप्लोमा के लिए है और एक डिग्री वालों के लिए है। तो दोनों को ही हम यहाँ पे प्रॉपर आहिस्ता से डिस्कस कर लेंगे। पहले बात करते हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो ये निकल के आ रही है इसरो विक्रम साराभाई सेंटर की तरफ से। यहाँ पे ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये आप देख सकते हैं, डेटेड 29/4/2023 है, यानी कि अभी लेटेस्ट ही है। इसका फॉर्म अभी कंटिन्यू में है। बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में। तो यहाँ पे जो पोस्ट है, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। पे लेवल 44,000 से लेके 1,42,000 के बीच में रहने वाला है। पहले है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए पोस्ट है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, तो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 24 है, ठीक है। और फिर है मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल, नंबर ऑफ पोस्ट 20। सीएस वालों के लिए है डिप्लोमा इन सीएस, नंबर ऑफ पोस्ट 6। फिर सेम केमिस्ट्री वालों के लिए है, जो हमारे केमिकल वाले होते हैं। फिर सिविल के लिए है, सिविल के नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर कंप्लीटली एलिजिबल है। फिर अगेन ऑटोमोबाइल और केमिस्ट्री वालों के लिए है, वो सब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 मई रखी गई है, उससे पहले आपको अपना फॉर्म भर देना है। ये हमारी पहली नोटिफिकेशन है डिप्लोमा के लिए। अब बात करते हैं जो बीटेक वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। यहाँ पे जो पहली पोस्ट है, डेट इज साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियर। नंबर ऑफ वैकेंसीज 39 है। यहाँ पे आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन बी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद 65% या फिर 6.84 सीजीपीए आपका होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल के लिए पोस्ट 16 है, ओबीसी 11, एससी 4, एसटी 4 है। फ्रेशर कंप्लीटली एलिजिबल हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्लैश साइंटिस्ट की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 14 है, बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एसी रिफ्रिजरेशन है, और फिर नीचे अगेन यहाँ पे आपके लिए इंजीनियर साइंटिस्ट सिविल के लिए पोस्ट है। यहाँ पे अगेन आपके पास 65% होने चाहिए, बट नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ठीक है। तो देख सकते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग देखिए फॉर्म भरते हैं, ध्यान रखिएगा कि पहले खुद नोटिफिकेशन आप एक बार रीड किया करिए, उसके बाद उसको फिल किया करिए। क्वालिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसी के अलावा मार्क्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पे कितने होने चाहिए। थोड़ी इसकी अगर हम और बात कर लेते हैं, एज लिमिट मैक्सिमम 28 ईयर्स रख दी गई है। उससे पहले अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी रिजर्वेशन आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। इसका एक ऑनलाइन मोड है, आपको ऑनलाइन मोड पे ही यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। फीस की बात कर लेते हैं तो 250 रुपीज है जनरल वालों के लिए, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं आराम से भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। बाकी इसका ऑनलाइन फॉर्म है, जो कि आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। बाकी इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट इसकी 24 मई रखी गई है, और जो फीस भरने की लास्ट डेट 26 मई रहने वाली है। इससे पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो लोग चाहते हैं सोना पॉसिबल अप्लाई जरूर करें।